ओके तो लेट्स स्टार्ट। तो दिस टाइम वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इनवर्स। तो इनवर्टिबल फंक्शन के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। हाँ देखो बेटा, इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल मतलब ऐसा फंक्शन जिसको हम इन्वर्ट कर सके, है ना। तो कैसे फंक्शन का इन्वर्स लेते हैं, तो सबसे पहले आप ये बात जरूर लिख लीजिए कि व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन कैन बी इन्वर्टिबल फंक्शन, किस तरह के फंक्शन का इन्वर्स हम कंसिडर कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर आप इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो जानिएगा, इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, इफ अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, है ना, देन इट इज एन इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल फंक्शन दैट इज इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, है ना बेटा। तो इनवर्टिबल फंक्शन के बारे में क्या हो गया, इफ अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव देन इट इज इनवर्टिबल फंक्शन दैट इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। तो इनवर्स क्या होता है फंक्शन का, ये हम लोग जानेंगे, है ना। तो बिफोर गोइंग टू द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन वी विल स्टडी अबाउट द कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन। तो यहां पर सबसे पहले एक टर्म हम लोग जानेंगे, व्हाट डू वी मीन बाय कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का फंक्शन, है ना। तो इसको क्या लिखते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो किसी फंक्शन का फंक्शन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन। जैसे देखो इसका मतलब क्या हुआ है, अभी तक जो हम लोग फंक्शन देखते थे क्या देखते थे, वाई वाज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स वाज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स कैसा वेरिएबल था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हेलो, हाँ वीडियो मैं रिकॉर्डिंग पे रखा हुआ हूं। ओके तो देखो, तो एफएक्स जो है आपका, यहाँ पे एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल था, डिपेंडेंट वेरिएबल था। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन की हम बात करते थे। सो दिस वाज वेयर वी वर टॉकिंग अबाउट द फंक्शन, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, तो y जब फंक्शन ऑफ x होता था, अब यहां पर अगर y x का फंक्शन ना हो करके x के किसी फंक्शन का फंक्शन हो, है ना। कहने का क्या मतलब है, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ, y इज अ फंक्शन ऑफ g x, है ना, y इज अ फंक्शन ऑफ g x, यानी कि यहां पर y किसका फंक्शन आप लिए हैं, y x का फंक्शन नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम y किसका फंक्शन ले रहे हैं,
वाई हम कंसिडर कर रहे हैं कि जी एक्स का फंक्शन है, जी का फंक्शन है, और जी किसका फंक्शन है, जी इज द फंक्शन ऑफ एक्स। अगर इस तरह का होता है तो इसे आप क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते हैं। मैं एग्जांपल अभी आपको दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर होगा, है ना। सो सच अ फंक्शन इज कॉल्ड हियर एफ इज अ फंक्शन ऑफ जी विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। सो हियर एफ इज अ फंक्शन ऑफ जी एक्स एंड जी इज द फंक्शन ऑफ एक्स। जी इज फंक्शन ऑफ एक्स, दिख रहा है। अब जा रहा है बेटा आयुष, आवाज आयुष, नाउ यू आर एबल टू लिसन मी। ओके देखो, ध्यान दो, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बेटे। तो यहां पर हमने क्या देखा कि y जो है, y means f, f is the function of g and g is the function of x। तो ये चीज हम लोग देख रहे हैं। तो कंपोजिट ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, सो हियर हियर इफ y इज अ फंक्शन ऑफ g इज अ फंक्शन ऑफ x देन y is a composite function, composite function or function of function। ये क्या होगा, y will be called a composite function or it will be called a function of function। तो ये चीज होता है, ध्यान दीजिएगा। okay, ये बात समझा राघव है बेटा, कुछ गया दिमाग में। देखो एक एग्जांपल मैं देता हूं। यस सर। हाँ, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, सपोज कर लो कि वाई जो है, या वाई को ऐसे लिख दो, एफएक्स लिख दो, एफएक्स जो है, एफएक्स जो है वो है आपका एक्स स्क्वायर, और gx जो है, gx जो है वो है x प्लस वन, अगर ये है। तो अब अगर मैं कहूंगा कि f ऑफ gx, therefore f ऑफ gx, तो अब f ऑफ क्या लेना है हमें, फंक्शन किसका लेना है, gx का। तो f क्या था, x स्क्वायर था, और x x का फंक्शन था, तो x की जगह gx लेना है। तो f क्या था, देखो f था x स्क्वायर, तो x स्क्वायर में x की जगह क्या रखा जाएगा, देखो fx, तो जहां fx में x है वहां पे f of gx में किसको रख देंगे, gx को रख देंगे। तो gx की वैल्यू क्या है, x plus 1, तो f of gx क्या हो जाएगा, x की जगह पर क्या आ जाएगा, x plus 1, तो ये हो जाएगा x plus 1 का होल स्क्वायर। तो दिख रहा है कि f of gx कैसे निकला, f of gx, इसको आप क्या पढ़ते हैं, This function is also called an FOG। इसको क्या कहते हैं, FOG। तो FOG का मतलब क्या हुआ, FOG का मतलब हुआ function f is
f is the function of gx. Is this point clear? F is the function of gx. So that is what we mean by fog. चलो इसको नोट कर लो, नोट कर लीजिए सबको ही, इसको नोट कर लो, प्लीज नोट डाउन, नोट कर लीजिए आप इसको सभी को ही, है ना राघव बेटा, नोट कर लो आयुष, नोट कर लो आयुष, नोट कर लीजिए प्लीज, नोट इट डाउन। नोट कर लीजिए जो भी मैंने बताया है इसको। राघव नोट कर रहे हो? यस सर। हाँ समझा, कुछ समझा बेटा, ये एग्जांपल समझा? जी सर। है ना FOG, उसी तरह से GOF, अगर मैं कहूंगा G को F का फंक्शन ले तो GOF सिमिलरली आ रहा है सर। आ रहा है ना सिमिलरली, वही मैंने कहा रीट्राई करते रहिए हो जाएगा। GOF, GOF का मतलब हुआ G इज अ फंक्शन ऑफ FX। तो बेटा G कैसा है? G है X प्लस वन, तो जहां जहां X है वहां वहां क्या आ जाएगा? FX आ जाएगा। FX क्या है? X स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका X की जगह क्या आ जाएगा? FX आ जाएगा। तो G, G देखो क्या था? G था X प्लस वन, तो X की जगह आपने क्या रखा? G ऑफ FX, यानी कि X की जगह पर आप क्या ले रहे हैं? जहां यहां देखो X की जगह पर आप क्या ले रहे हैं? FX ले रहे हैं। तो अगर आप x की जगह पर fx ले रहे हैं तो यहाँ जहाँ f x है x की जगह fx आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? fx plus one। And what is fx? fx is equal to x square। fx is equal to x square। So x square plus one। ठीक है? तो ये दोनों क्या हो गया? fog and gof are called function of function। fog and gof are called function of फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन। एफओजी बोले तो क्या मतलब होता है? एफओजी का मतलब होता है एफ इज अ फंक्शन ऑफ जीएक्स। और जीओएफ बोले तो क्या मतलब होता है? जीओएफ का मतलब होता है जी इज अ फंक्शन ऑफ एफएक्स। ये बात क्लियर हो रहा है? देख लो अच्छे से, है ना। कंपोजिट फंक्शन के ऊपर ही इन्वर्टिबल फंक्शन का कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है। तो कंपोजिट फंक्शन सबसे पहले निकालना सीखेंगे, फिर हम इन्वर्टिबल फंक्शन की बात डिटेल में करेंगे। चलो दोनों लिखो बेटे, अच्छे से नोट कर लो इन दोनों पॉइंट्स को। राघव आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस सर। आयुष क्लियर है बेटे? ये एफओजी और जीओएफ। हाँ एफओजी और जीओएफ क्लियर है। देखो पहले मैंने बात किया था इन्वर्टिबल फंक्शन का। इन्वर्टिबल फंक्शन कैसा फंक्शन इन्वर्टिबल होता है? वैसा फंक्शन जो बाइजेक्टिव होता है, मतलब वन वन एंड ऑन टू, जो फंक्शन वन वन एंड ऑन टू दोनों होता है, वैसे ही फंक्शन को हम इन्वर्टिबल फंक्शन कह सकते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद और डिटेल में बात करेंगे। बिफोर गोइंग टू द इन्वर्टिबल फंक्शन, मैंने आपको बताया कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन या फंक्शन ऑफ फंक्शन एक ही चीज का नाम है। तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल क्या दिया कि वाई अगर एक्स का फंक्शन होता था तो y was the dependent variable and x was the independent variable, ही हमने पढ़ा था। लेकिन अगर हमारा y x का function ना हो करके किसी function का function हो, जैसे gx, gx क्या है बेटा? gx x का कोई function है, दूसरा function। तो अगर y अगर gx का function है, तो यानी कि y directly x का function नहीं है, y x के किसी दूसरे function का function है, तो such a function is called composite function or function of फंक्शन। वैसे फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन या फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो वही मैंने यहाँ क्या कहा है, देखो हियर एफ इज अ फंक्शन ऑफ जी एक्स, एफ इज अ फंक्शन ऑफ जी एक्स एंड जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। सो बेसिकली एफ इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ एक्स, बट एफ इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्स, इट इज रिलेटेड टू एक्स अंडर द फंक्शन जी, अंडर द फंक्शन जी। हेंस वी कैन से दैट एफ इज अ फंक्शन ऑफ another function which is gx। ये बात क्लियर हुआ बेटा? तो f जो है दूसरे फंक्शन that is gx का फंक्शन है। अब यहाँ देखो, तो वही मैंने एग्जांपल लिया कि here if y is a function of gx, है ना, y is a function f of gx, तो f of gx, तो अगर y अगर f of gx है तो क्या हुआ? Then y is a composite function or function of function। अब मैं उसी चीज को समझा रहा हूँ एग्जांपल लेकर। मैंने दो फंक्शन लिया है x का, एक लिया fx,
एफ एक्स इक्वल टू क्या लिया मैंने, एक्स स्क्वायर। देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा फंक्शन मैंने लिया जी एक्स, जी एक्स हो गया एक्स प्लस वन। तो मैं यहाँ पे दो तरह का फंक्शन और फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, वन इज एफ ओ जी एंड अनदर इज जी ओ एफ। तो एफ ओ जी का मतलब क्या हुआ, एफ ओ जी का मतलब हुआ एफ इज अ फंक्शन ऑफ जी एक्स, एफ में जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वहां जी एक्स आ जाएगा। तो इसको अगर मैं डिटेल में लिखूं तो क्या लिखूंगा कि एफ ओ जी या एफ इज अ फंक्शन ऑफ जी एक्स। तो एफ में देखो एक्स, एफ एक्स में क्या था, एफ एक्स में एक्स का स्क्वायर था, तो एफ ऑफ जी एक्स में क्या होगा, जगह जी एक्स आ गया है। देखो एक्स की जगह, एक्स की जगह यहाँ एफ एक्स में एक्स आ रहा है ना, एक्स की जगह क्या आ गया, जी एक्स। देख रहे हो एक्स की जगह एफ किसका फंक्शन था, एक्स का। तो एक्स की जगह यहाँ क्या आ गया है, जी एक्स आ गया है। तो यहाँ एक्स का स्क्वायर था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरा बच्चा देखो जी एक्स क्या है, जी एक्स इज एक्स प्लस वन, दैट्स व्हाई दिस विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। अब उसी तरह से जीओ एफ, जीओ एफ का मतलब हुआ जी इज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स। तो देखो जी एक्स, जी एक्स में दिख रहा है, जी एक्स में जहां पे एक्स है वहां पर एफ एक्स आ गया है। तो जी एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स प्लस वन। तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स की जगह एफ एक्स आ जाएगा। तो एक्स प्लस वन की जगह हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स प्लस वन। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जीओ एफ विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वन। नाउ इट इज क्लियर? यस सर। समझ गए आयुष? यस सर समझ। बिल्कुल अच्छी बात है। चलिए अब नोट कर लीजिए इसको, समझते हुए नोट करो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आज जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे 100% गारंटेड है कि एक क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हो, एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, चार नंबर से छह नंबर का। तो इसीलिए अच्छे से सीरियसली करो, अगले क्लास तक ये चलेगा। नोट करिए, प्लीज नोट इट डाउन। हो गया बेटा? यस सर। चलो अच्छी बात है। अब इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। आप लोग एफओजी और जीओएफ निकालना सीखिए। आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चन, है ना? दिक्कत होगी तो मैं एक दो और बता दूंगा, फिर आप लोग करना। एफओजी जीओएफ निकालना सीखोगे तभी इनवर्टिबल फंक्शन समझ में आएगा। सर इसका यूज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी होता होगा? हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी इनवर्टिबल फंक्शन है, वहां भी वो चीज यूज होगा, समझे? इसके बाद ही तो आप इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री का चैप्टर पढ़ोगे। यस सर। है ना, नेक्स्ट चैप्टर आपका ये तो बस अगले क्लास तक खत्म हो जाएगा, है ना? एक क्लास में और अगले क्लास में ये खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर विद क्वेश्चंस वगैरह के साथ, है ना? तो उसके अगले क्लास में अगर हमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी भी पड़ी तो भी इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री शुरू हो जाएगा। इनवर्स मेरा शुरू भी हो चुका है। अरे तो मैं शुरू करके खत्म कर दूंगा, टेंशन ना लीजिए। अभी बस एक क्लास के बाद शुरू करने ही वाले हैं। इजी भी है सर, इनवर्स इजी है, बट ये समझ में आएगा तभी वो इजी है। ये समझ में ना आए तो भले इजी लग रहा है मतलब कुछ नहीं आता है, फिर समझ में अपने पहले से आ रहा है ना। तो बिना इनवर्स के इनवर्स फंक्शन के इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री बढ़िया से नहीं समझ में आएगा, है ना? उसको बेसिक लेवल पे समझने के लिए इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो अच्छी बात है, उसको आप करिए और हम लोग भी शुरू करेंगे उसको बेटा, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री को।
and obviously that is easy chapter, but if you understand the inverse function then it become more easy. Chalo, inverse function par chuke ho Ayush? No sir. Huh? No sir, just अभी start हुआ था inverse trigonometry. अच्छा तो inverse function भी ना पढ़ाई inverse trigonometry पढ़ा दे हो चुका है inverse start ले हो चुका था पहले लेकिन हम join नहीं किए थे. अच्छा कोई बात नहीं, चलो आप अगर पढ़ लोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा trigonometry. चलो कोई बात नहीं, तो चलिए अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आप करिए. फाइंड, देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं इसको करो, फिर कुछ प्रॉपर्टी लिखाऊंगा. फाइंड जीओएफ, जीओएफ का मतलब समझ रहे ना, जीओएफ बोलने का मतलब हुआ, जीओएफ का मतलब हो गया जी इज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स है ना, एंड एफओजी शॉर्ट में ऐसे ही लिखा जाता है एफओजी, तो एफ इज अ फंक्शन ऑफ जी एक्स. इफ इफ मैं पहला नंबर पे क्वेश्चन दे रहा हूं देखना, इफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू फाइव एक्स माइनस टू का मॉड, अच्छे से करिएगा आपसे बन जाएगा, अगर थोड़ा दिमाग लगा के करोगे तो श्योरली बन जाएगा. दूसरे नंबर पे दो अलग अलग क्वेश्चन है बेटा, एफ एक्स इक्वल टू दूसरे नंबर में क्या दे रहा है, एफ एक्स इक्वल टू एट एक्स का क्यूब एंड जी एक्स इक्वल टू x टू दी पावर 1/3. चलिए करिए जल्दी से. एक ये क्वेश्चन करो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देता हूं, पहले इसको करो. हो गया बेटे? सर फर्स्ट का जी ऑफ एफ फाइव मॉड एक्स माइनस टू होल मॉड होगा ना. हाँ सर फाइव मॉड एक्स माइनस टू होल मॉड. देखो मॉड लगा हुआ है ना, तो यहाँ
पहले में देख लो, पहले में हमें जीओ एफ करना है, मान लो फर्स्ट नंबर में हम जीओ एफ की बात करते हैं, तो जीओ एफ का मतलब जी ऑफ एफ एक्स, तो जी में जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वहां एफ एक्स रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जी में कहां कहां एक्स आ रहा है, यहां आ रहा है तो फाइव मॉड एक्स माइनस टू का मॉड, ये आएगा, समझा समझा बेटा? हाँ सर आ गया, एक्स ये है ना, तो जी एक्स में जहां जहां एक्स है वहां वहां एफ एक्स रखोगे तो क्या हो जाएगा, फाइव एफ एक्स माइनस टू, तो एफ एक्स क्या है, मॉड एक्स है, और एफ ओ जी, एफ ओ जी मतलब एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स देखो क्या हो जाएगा, तो एफ ऑफ जी एक्स, तो ये है एफ ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स एफ एक्स क्या है, मॉड एक्स, तो मॉड ऑफ जी एक्स, तो मॉड ऑफ जी एक्स यानी कि मॉड ऑफ, डबल मॉड होगा तो सर क्या होगा, डबल मॉड का भी मॉड ही होगा बेटा, है ना, तो मॉड का मॉड, मॉड का भी मॉड लगा के मॉड ही आएगा ना, क्योंकि बस वही अंदर में जो पॉजिटिव है, पहली बार भी मॉड लग गया तो पॉजिटिव ही ना आएगा बेटा, तो पॉजिटिव का मॉड लेते हैं तो क्या होता है, सेम नंबर आता है ना, मॉड एक्स की वैल्यू, मॉड एक्स की वैल्यू क्या आती है, एक्स आती है इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आती है ना, तो ये अंदर में जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, पहले से मॉड लगा हुआ है, इसके मॉड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5x माइनस 2, यानी कि ये आपका gx के बराबर ही आ जाएगा, समझा, ये क्या आ जाएगा, g of x, हाँ fog जो है वो gx के बराबर ही आ जाएगा, क्लियर है, यस सर आ गया था, लेकिन सर वो डबल मॉड था ना उसमें सर पता नहीं, डबल मॉड में बेटा एक वाला मॉड बाहर वाला मॉड हटा देंगे, है ना, क्योंकि मॉड के अंदर वाला क्वांटिटी ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो उसको दोबारा से मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड कर लिया, नो सर कर रहे, करो करो सेकंड करो, फिर एक और क्वेश्चन दूंगा, राघव हैव यू डन इट, यस सर, ओके दोनों हो गया बेटा, यस सर, चलिए वेरी गुड, सो इफ यू हैव डन द सेकंड वन आई एम गोइंग टू गिव द अनदर क्वेश्चन नाउ, देखिए क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4, है ना, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2/3, क्यों नहीं होगा 2/3, क्योंकि अगर x 2/3 होगा तो डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, देखो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, अगर आप यहां करेंगे कि 6x माइनस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो यहां से x क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, एक मिनट रुकना बेटा, देखो बेटा ध्यान दो, तो यहां पे क्या है, x शुड नॉट बी इक्वल टू 2/3, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, तो वही क्वेश्चन में लिखा है, इफ एफ एक्स इक्वल टू, क्या लिखा है क्वेश्चन में, इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस मच, वेयर वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2/3, सो दैट है ना, f of x इक्वल टू एफ एक्स, एफ ओ एफ कहो या एफ ऑफ एफ ओ एफ एक्स कहो, बात बराबर है ना, सिंपली एफ ओ एफ भी लिख सकते हो, एफ ओ एफ इक्वल टू एक्स, ये शो करना है ना, फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू, फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 2/3, तो हर एक एक्स के लिए एक्सेप्ट एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू, एक्स तो 2/3 नहीं होगा, तो ये शो करना है, व्हाट इज द, हाँ चलो इनवर्स तो बाद में अभी पढ़ाएंगे, इनवर्स में अभी पढ़ाया नहीं, इसका इनवर्स की बात बाद में करेंगे, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, शो करो कि एफ ओ एफ जो है वो एक्स होता है, कम ऑन डू इट, सर
सर एक बार सेकंड वाला का बताइए ना जी। हाँ बिल्कुल बताऊंगा, देखो फर्स्ट पार्ट समझ गया ना, yes, मैं उसको रब कर रहा हूँ बेटा, फर्स्ट पार्ट को मैं रब कर रहा हूँ एंड आई विल डिस्क्राइब द सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद आप ये वाला राघव तब तक आप इसको करो बेटा, आप फर्स्ट कर चुके हो सो प्लीज डू दिस वन। देखना मेरा बच्चा यहाँ पर सेकेंड वाले का, देखो सेकेंड वाले का FX दिया हुआ है इतना, GX ये दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है GOF, तो GOF मतलब G of FX, बिल्कुल स्टेप से करो देखो आ जाएगा आंसर, है ना, स्टेप वाइज करने पे आंसर आ जाता है, तो G of FX यानी कि G क्या है, G है X to the power 1/3, तो हमें X की जगह पर क्या रखना होगा, जहां जहां X है वहां वहां हमें FX रख देना है, देखो G of X यहाँ है G of FX, तो x की जगह fx रख देंगे तो क्या हो जाएगा, fx टू दी पावर 1/3, बेटा fx क्या है, fx है 8x³, तो 8x³ का पावर 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 2x, हाँ क्योंकि 2x का होल क्यूब है ये, तो 2x हो जाएगा। उसी तरह से थर्ड नंबर इसका सेकंड पार्ट देखो, fog, तो एफ ओ जी का मतलब हो गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, है ना, कभी कभी ऐसे भी लिखता है एफ ओ जी एक्स, तो एक ही चीज हुआ एफ ओ जी एक्स करने का मतलब एफ ऑफ जी, तो ये हो जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे, तो एफ में रखेंगे जी एक्स को, तो एफ कौन है, ये है 8x³ एक्स की जगह जी एक्स आ जाएगा, तो देखो yes, क्या है ये है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 और x टू दी पावर 1/3 का क्यूब, सो हाउ मच इट विल बी, दिस विल बी इक्वल टू 8x, क्लियर है, हाँ सर समझ गया, तो fog हो गया 8x और gof हो गया 2x, अब इसको करो सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ, इस क्वेश्चन को करिए, हो गया बेटे एक मिनट से,
सर एक्स आएगा सर, इसमें बेटा हाँ एक्स आएगा, वही तो कह रहा है एफ ओ एफ एक्स आएगा, सो दैट सो दैट सो करना एफ ओ एफ विल बी, यस सर आ गया सर, हो गया सर, यस सर हो गया, वेरी समझ गए। और ये बात आप समझ रहे हैं कि x 2/3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर, यस सर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो ये बात आप समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मतलब है सर जो रहेगा सर उसका वैल्यू पहले उसमें पुट कर देना है। हाँ हाँ बस ऐसे, एफ ओ जी का मतलब क्या है, एफ ओ जी का मतलब है एफ ऑफ जी एक्स, पहले जी ऑफ एक्स का वैल्यू पुट करना, फिर एफ ऑफ एक्स जो रहेगा उसमें एक्स का वैल्यू, हाँ जी एक्स का वैल्यू किसमें पुट करोगे, फंक्शन एफ में जहाँ जहाँ आ रहा होगा, यस सर फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा होगा वहाँ पुट करोगे, और एफ जी ओ एफ में जी में एफ एक्स का वैल्यू पुट करना है, यानी कि जी फंक्शन में जहाँ जहाँ एफ एक्स आ, जी फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा होगा वहाँ वहाँ पे एफ ऑफ एक्स करोगे। बिल्कुल बस इतनी सी बात है, समझे, हो गया सर एकदम, फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन है ना, अब एकदम क्लियर हो गया सर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात। तो इसी तरह से करना होता है, और बाकी सॉल्व करने का जो स्टेप है वो देखेंगे। चलिए वेरी गुड, अब आइए हम इन्वर्टिबल फंक्शन का जो है मैथमेटिकल डेफिनेशन जानते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय एन इन्वर्टिबल फंक्शन, कैसे फंक्शन को हम इन्वर्टिबल कहते हैं, है ना। एक तो आपने ये जाना कि इन्वर्टिबल फंक्शन वो फंक्शन होगा जो 1-1 एंड ऑन 2 होगा, कोई और फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं हो सकता, ओनली 1-1 एंड ऑन 2 फंक्शन हैव इनवर्स, यानी कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट फॉर अ 1-1 एंड ऑन 2 फंक्शन, है ना। तो ये तो उसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब हम कैसे हम इनवर्स ऑफ अ फंक्शन निकालते हैं, है ना, तो उस बात को हम लोग जानेंगे। तो जानते हैं डेफिनेशन समझने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं इस पे, है ना। डेफिनेशन को एक बार लिखने के बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखने के बाद। देखना बेटा, अ फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन, है ना, इन्वर्टिबल फंक्शन, सो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन इन्वर्टिबल फंक्शन। देखो अ फंक्शन एफ, अ फंक्शन एफ From x to y, है ना, is defined to be invertible, is defined to be invertible, is defined to be invertible a function f from x to y is defined to be invertible if there exists a, if there exists a g, देखो f कहाँ है, f जो है x to y है, तो g क्या होगा, g होगा y to x, यानी कि फंक्शन एफ, ध्यान से सुनिएगा, फंक्शन एफ का जो डोमेन है वो फंक्शन जी का को डोमेन बन जाएगा, और जो फंक्शन एफ का को डोमेन है वो फंक्शन जी का डोमेन बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा, है ना। तो वो चीज है, तो जी सच दैट वाई टू एक्स, यानी कि यहाँ पर x जो है वो डोमेन का सेट है और y को डोमेन का सेट है, मतलब सर फंक्शन 1 to -1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 to 1, हाँ मतलब उस तरह से कहेंगे, अगर 1 से -1 है तो -1 से 1 हो जाएगा, बिल्कुल, है ना, वो चीज है। आगे अभी इसमें और भी चीजें जुड़ेगा। तो अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज डिफाइंड टू बी इनवर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g, तो g उसका इनवर्स कहलाएगा y टू x, सच दैट, है ना, सच That such that GOF
जीओ एफ इक्वल टू आई एक्स एंड जीओ एफ इक्वल टू सच दैट जीओ एफ इक्वल टू आई एक्स एंड एफ ओ जी, इस बात को अब समझाता हूं मैं, एफ ओ जी इक्वल टू आई वाई, जीओ एफ इक्वल टू आई एक्स एंड एफ ओ जी इक्वल टू आई वाई, द फंक्शन जी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ एंड इज, तो यहां क्या होगा अगर इस तरह से होता है देन इन दिस केस, इन दिस केस द फंक्शन जी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ, इनवर्स ऑफ एफ एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय g इक्वल टू f, ये पावर नहीं है याद रखना, पावर माइनस वन नहीं है बेटा, f इनवर्स, इसको क्या पढ़ते हैं f इनवर्स, समझा, जैसे आप इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री पढ़ रहे होंगे, तो जैसे अगर साइन ये है तो साइन इनवर्स x, तो ये पावर नहीं है माइनस वन, पता है sin, ना यस सर यस सर, हाँ दैट इज अनदर फंक्शन इनवर्स फंक्शन, वन बाय साइन एक्स हो जाएगा, तो किसने पढ़ाया ये वन बाय साइन एक्स हो जाएगा, बोलो गलत बात है, ऐसा नहीं होता है, वन बाई साइन एक्स तो कोसेक एक्स हो जाता है, ये अलग चीज है बेटा, ये तो कोसेक एक्स हो जाता है, वन बाई, ये पावर नहीं है, दिस इज नॉट द पावर, अच्छा यस सर है, बोल रहे हो अभी बोल रहे थे कि इनवर्स इजी है, पर आप इनवर्स में वन बाई साइन एक्स कर दिए बेटा, हाँ बोलो, हाँ सर आयुष, यस सर यस सर, ये क्या हो रहा है कुछ नहीं सर, इसीलिए तो मैंने कहा कि आपको इनवर्स फंक्शन पढ़ाया नहीं है और ट्राइगोनोमेट्रिक इनवर्स पढ़ाने लगा तो कैसे समझ में आएगा, चलो कोई नहीं, तो वी विल सी, समय आने पे समझ जाओगे सब, है ना, चलो कोई नहीं, देखते हैं, ऐसा नहीं है, दैट इज नॉट पावर, दैट इज अ डिफरेंट फंक्शन, है ना, यस सर, ओके, वो अलग रिप्रेजेंटेशन है, ये वन बाई एफ नहीं है, ये अलग चीज है बेटा, अभी समझ में आ जाएगा, है ना, रिप्रेजेंटेड बाय जी इक्वल टू एफ इनवर्स एंड, एंड क्या हो जाएगा अगर एफ 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 जो है ये जी, जी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ, तो अगर जी एफ का इनवर्स है तो एफ किसका इनवर्स होगा, जी का इनवर्स होगा, तो एंड g is called inverse of f and f is called inverse of g, है ना, यानी कि अगर f g का इनवर्स है तो g f का इनवर्स होगा, वाइस वर्सा, है ना, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय F इक्वल टू जी इनवर्स, जी का पावर माइनस वन नहीं कहते, इसको क्या पढ़ते हैं जी इनवर्स, है ना, जी इनवर्स पढ़ते हैं बेटा, पावर नहीं है माइनस वन, ध्यान रखना, दैट इज नॉट पावर, दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, चलिए इसको पहले नोट करिए फिर मैं इसका मीनिंग समझाता हूं, यस सर कर लिया, हाँ चलो करो, अभी इसको समझाएंगे, मतलब अभी पूरा समझाएंगे तब क्लियर होगा,
हो गया? यस सर। नोट कर लिया? यस सर। चलो राघव, हैव यू नोटेड? राघव? यस सर। चलिए नोट कर लिया बेटा? यस सर। चलिए ओके, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो देखो पहले तो हम ये समझते हैं IX और IY का क्या मतलब। I का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन है ना, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन X। तो IX का मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन X। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता था, X होता था, याद करो है ना, Y इक्वल टू X आइडेंटिटी होता था। तो अगर आइडेंटिटी फंक्शन ऑन X लिखेंगे तो जी ओ एफ को मैंने क्या लिखा, IX लिखा। IX का मतलब क्या आना चाहिए, X आना चाहिए। और एफ ओ जी को क्या लिखा बेटा, एफ ओ जी को हमने क्या लिखा, आई वाई लिखा। तो ये क्या आ जाएगा, वाई आ जाना चाहिए। ये बात समझ रहे हो है ना। तो ये देख लो, तो जीओ एफ इज द आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड एफ ओ जी इज द आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई। क्योंकि कोई भी फंक्शन आपका एक्स होता था, मैंने क्या पढ़ाया था कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, उसी तरह से जी वाई इक्वल टू वाई विल बी एन आइडेंटिटी फंक्शन इन वाई। वेरिएबल तो कोई भी ले सकते हैं ना। तो जीओ एफ अगर आई एक्स, आई किसके लिए रिप्रेजेंट है, आई एक्स हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। तो यहाँ पर आई एक्स को हम क्या पढ़ते हैं, आई एक्स का मतलब क्या हुआ, आई एक्स मीन्स एक्स, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एक्स। आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एक्स। एंड आई वाई क्या हो गया मेरा बच्चा, आई वाई क्या हो गया, आई वाई वाई है ना, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई। सो आई वाई मीन्स स्मॉल वाई, दैट इज योर आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई। आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई। तो आई एक्स इज द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एक्स एंड आई वाई इज द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई। तो ये चीज है, तो दिस इज द डेफिनेशन। हाँ, तो यानी कि अगर जीओ एफ, अगर जीओ एफ आई एक्स है, देन यू विल से जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, और एफ ओ जी अगर आई वाई है, देन यू विल से एफ इज द इनवर्स ऑफ जी, एंड वाइस वर्सा यू कैन से। अगर एफ अगर जी का इनवर्स है तो जी जो होगा वो एफ का इनवर्स होगा, एक दूसरे का इनवर्स होता है फंक्शन है ना। तो वो चीज है, एंड वेन द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन विल एग्जिस्ट। अब देखो यहाँ पर इनवर्स का कंडीशन क्या है, इनवर्स का कंडीशन देखो, अगर एफ और जी, ध्यान से देखना बेटा, एफ और जी अगर इन्वर्टिबल फंक्शन है, मींस अगर एफ जी का इनवर्स है और जी एफ का इनवर्स है, तो उस केस में क्या हो रहा है, एफ का जो डोमेन है, एफ का जो डोमेन का सेट है डेट इज एक्स, वो जी का को डोमेन का सेट बन गया, और जो एफ का को डोमेन है वो यहाँ जी का डोमेन बन गया। तो बेटा डोमेन कब बनेगा, डोमेन में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए ना आपका को डोमेन में, है ना। डोमेन के जितने भी एलिमेंट होंगे उनका वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए को डोमेन में। इसका मतलब क्या हो गया, अगर एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ध्यान देना, एफ अगर एक्स का फंक्शन और एक्स डोमेन का सेट है, इसका क्या मतलब हुआ, ईच एलिमेंट ऑफ एक्स इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई, है ना। ईच एलिमेंट ऑफ एक्स इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई। और अगर जी में अगर वाई डोमेन है, इसका क्या मतलब हुआ, ईच एलिमेंट ऑफ वाई इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ एक्स। ये ना मतलब हुआ, तो दोनों को मिला दें तो क्या मतलब हुआ कि ईच एक्स इज रिलेटेड टू अ यूनिक वाई एंड ईच वाई इज रिलेटेड टू अ यूनिक एक्स। ये कैसे फंक्शन में होता है, दिस इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इनवर्स कैसे फंक्शन के लिए पॉसिबल है, इनवर्स इज पॉसिबल ओनली इफ अ फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू, दैट इज बाइजेक्टिव इन इट्स डोमेन एंड रेंज। समझे, कोई दिक्कत बेटा? नो सर। यानी कि नोट में ये बात लिख लो आप फिर से कि The invertible, a function is invertible only if it is one one and on two. Function is invertible, that is, invertible बोले तो that is
इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, इट्स इनवर्स एग्जिस्ट ओनली इफ इट इज वन वन एंड ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू. वन वन ऑन टू का मतलब क्या हो गया? बाइजेक्टिव. तो सिर्फ बाइजेक्टिव डेट इज वन वन ऑन टू फंक्शन का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है. यानी कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है, कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है, कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा, ये शो करने के लिए हम क्या करेंगे? हम अगर ये शो कर दें कि जो फंक्शन है वो वन वन ऑन टू है, समझ रहे हो, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, अगर हम ऐसा शो कर पाए देन वी विल बी एबल टू प्रूव दैट अ फंक्शन इज इन्वर्टिबल. ये बात समझा है ना? अगर कहीं पे आपको रहता है सो दैट द फंक्शन इज इन्वर्टिबल, देन यू कैन हैव टू अप्रोच, दो अप्रोच फॉलो कर सकते हैं. पहला अप्रोच क्या फॉलो कर सकते हैं? आप शो कर दीजिए कि फंक्शन वन वन ऑन टू है. इफ यू आर एबल टू शो दैट द फंक्शन इज वन वन ऑन टू, देन इट इज सफिशियंट टू प्रूव दैट द फंक्शन इज इन्वर्टिबल, बिकॉज एवरी वन वन ऑन टू फंक्शन कैन बी हैविंग इनवर्स, एंड ऑल एवरी वन वन ऑन टू फंक्शन दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन. ये बात क्लियर हुआ? हर एक वन वन ऑन टू फंक्शन जो होगा बेटा वो इन्वर्टिबल फंक्शन माना जाएगा. तो ये बात आप समझ रहे हैं, एवरी वन वन ऑन टू फंक्शन इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन. तो यदि आपने किसी फंक्शन को वन वन ऑन टू प्रूव कर दिया तो वो खुद ब खुद इन्वर्टिबल प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि हर एक वन वन ऑन टू फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन होता है. तो ये बात हमने जान लिया. दूसरा आप डेफिनेशन यूज कर सकते हैं. आप क्या करेंगे? आप कोई ऐसा फंक्शन जी फाइंड कर लीजिए. इफ यू आर एबल टू फाइंड अ फंक्शन जी सच दैट जीओ एफ इक्वल टू आई एक्स, जीओ एफ इक्वल टू आई एक्स, that is u f equal to x, so yeah f o g equal to y, so us case mein kya hoga? Even then you can say that the function is invertible. High definition hai. Ab koi aisa function g kaise nikalte hain wo hum log sikhenge, nikalne ka tarika sikhenge beta. Filhal aap yahan par isko note kar lijiye acche se. Ab hum log invertible function nikalne ka tarika sikhenge. Sir kar liye note. Note kar liya. चलो एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं. जब मैं करके दिखाऊंगा तब आपको तरीका समझ में आएगा. बस इतना ही थ्योरी है इस चैप्टर में, है ना? थ्योरी हमने कंप्लीट कर लिया, अब बस प्रॉब्लम करना है. तो आज प्रॉब्लम थोड़ा करेंगे, अगले क्लास में प्रॉब्लम करेंगे, चैप्टर खत्म. देन नेक्स्ट क्लास में उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे आपके इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री पे. जब मैं पढ़ाऊंगा इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री तब आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि होता क्या है, ठीक है? लेकिन उससे भी पहले आपको इन्वर्टिबल फंक्शन क्लियर होना चाहिए, इसको जरूर पढ़ना पड़ेगा. इसके परे बिना कोई तरीका नहीं है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री को समझने का. यदि आपको इन्वर्टिबल फंक्शन और फंक्शन का नॉलेज नहीं है देन इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री समझ ही नहीं सकते हैं, है ना बेटे? तो इसीलिए अभी हम लोग फंक्शन को पहले कंप्लीट करेंगे. एक छोटा सा चीज मेरा रह गया है वो मैं बता दूंगा बाद में, पहले हम लोग इस पे काम पूरा कर लें जो कर रहे हैं. देखिए क्वेश्चन देखिए, है ना, सॉल्व एग्जांपल ही ले लेते हैं पहले. लेट एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू एन टू वाई. एन टू वाई
वी अ फंक्शन, वी अ फंक्शन डिफाइंड एज, डिफाइंड एज fx equal to 4x plus 3, where y is also belonging to natural number, hai na, such that y equal to 4x plus 3, y किसको कहते हैं, fx को ही y कहते हैं ना बेटा, 4 सम x belonging to natural number, है ना, so that f is invertible, है ना, and find the inverse. Inverse find करने का मतलब क्या हुआ कि जो inverse function है, अगर fx का inverse gy है तो gy को find करना होगा, समझा ना बेटा, so you will have to find the inverse. तो चलिए इस question को देखते हैं, इस question को कैसे करते हैं अभी हम लोग जानेंगे. Let's look at this question now. Note कर लो बेटा question को. Please note this question. तो देखो कैसे किया जाता है, इसमें आप ऐसे करेंगे, यहां पे आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान देना. लेट वाई इक्वल टू 4x plus 3, ये दिया हुआ है, यहां से x निकाल लो, क्योंकि देखो क्या होता है इन्वर्टिबल फंक्शन में, अगर f और g इन्वर्टिबल है तो f का डोमेन जो है g का को डोमेन बन जाएगा, यानी कि रेंज बन जाएगा, और f का रेंज जो है g का डोमेन बन जाएगा, है ना, तो रेंज डोमेन बन जाता है, डोमेन रेंज बन जाता है, तो हम y को x से और x को y से रिप्लेस कर देंगे, पर ऐसे डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम इसको सॉल्व करके करेंगे, हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड, पहला प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इज फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, terms of y, देखना step को सीखो, what you will do, you will find x in terms of y, तो आप क्या देखेंगे, since y equal to 4x plus 3 है, तो this implies, क्या हो जाएगा, 4x will be equal to y minus 3, and this implies, x will be equal to y minus 3 by 4, x क्या हो गया, y minus 3 by 4, तो मैं इसको क्या मान लूंगा, इसी को जी वाई मान लूंगा, लेट इट बी जी वाई, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज इक्वल टू जी वाई, इसको जी वाई मान लिया, अब हम देखेंगे जी ओ एफ, एफ एक्स क्या है, सिंस एफ एक्स इक्वल टू 4x plus 3, तो आपने क्या किया, डोमेन को रेंज को डोमेन कर दिया, अब वाई ले लिया, जी वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो जी वाई क्या हो गया, एंड जी वाई क्या हो गया बेटा, जी वाई हो गया आपका वाई माइनस थ्री बाई फोर, दिख रहा है, कर तो रखा है, कितने बजे आया, सो देयर फोर, नहीं तो आपके सामने ज्वाइन कर रहा था, जोर से पैर पे मार दी, जी ओ एफ, ध्यान दीजिए इधर बातें नहीं, जी ओ एफ,
जीओएफ का मतलब क्या होता है? जीओएफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स होता है बेटा। तो जरा जी ऑफ एफ एक्स करके देखो क्या आएगा, जी ऑफ एफ एक्स। तो ये रहा ना जी, तो जी जी किसका फंक्शन है, देखो जी वाई का फंक्शन है। तो जहां जहां वाई आ रहा है वहां वहां क्या रख दोगे, एफ एक्स रख दोगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा देखो जी में जी ओ एफ निकालना मतलब जी ऑफ एफ एक्स। तो जहां जहां जी वाले फंक्शन में वाई आ रहा है वहां वहां वाई की जगह क्या रख दोगे, एफ एक्स रख दोगे। तो जब आप एफ एक्स रख दो क्या आ जाएगा, देखो ये क्या था वाई माइनस थ्री बाई फोर, तो वाई की जगह आप क्या रख देंगे एफ एक्स। तो यू विल गेट एफ एक्स माइनस थ्री बाई फोर। तो अब देखो एफ एक्स माइनस थ्री बाई फोर, तो एफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, व्हाट वाज एफ एक्स, एफ एक्स वाज फोर एक्स प्लस थ्री। तो अब इसको क्या कर दोगे, फोर एक्स प्लस थ्री, तो नीचे मैं लिखता हूं फोर एक्स प्लस थ्री माइनस थ्री बाई फोर। तो बेटा देखना ये प्लस थ्री माइनस थ्री प्लस थ्री कट गया, क्या आ गया फोर एक्स बाई फोर, क्या आ गया एक्स आ गया। एक्स का मतलब क्या हो गया, आई एक्स, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एक्स, दिख रहा है समझ में आया। तो हमने क्या देखा, सिंस जीओ एफ इक्वल टू आई एक्स, हेंस व्हाट वी कैन से, हेंस वी कैन से दैट, लास्ट में लिख लीजिए हेंस, देयरफॉर क्या हो जाएगा, जी वाई इज इनवर्स ऑफ, इनवर्स ऑफ एफ एक्स, एंड देयरफॉर जी वाई अगर इनवर्स ऑफ एफ एक्स है तो एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स एक्स विल बी जी वाई, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी वाई, वाई माइनस थ्री बाई फोर। इसका इनवर्स क्या हो गया, वाई माइनस थ्री बाई फोर हो गया। इज दिस क्लियर, वाई माइनस थ्री बाई फोर इज द इनवर्स ऑफ एफ एक्स। समझा बेटा, प्रोसेस देखो कैसे करते हैं, कम ऑन। तो हमने शो कर दिया, वी हैव शोन दैट दिस इज इनवर्टिबल फंक्शन। कैसे हमने शो किया कि इनवर्टिबल फंक्शन है, ध्यान देना, क्योंकि जीओ एफ को हमने निकाला, जीओ एफ क्या आ गया, आई एक्स आ गया। और अगर जीओ एफ आई एक्स आता है तो बाय द डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्टिबल फंक्शन वी हैव प्रूव्ड दैट दैट दिस फंक्शन गिवन बाय वाई इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री इज एन इनवर्टिबल फंक्शन। क्लियर है आयुष, आयुष बेटा? यस सर, क्लियर है। राघव बेटा? यस सर, क्लियर है ये? जी सर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, वेरी गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज, इस पे 100% गारंटेड है कि क्वेश्चन आएगा, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो, क्वेश्चन आना ही आना है इस पे, एक क्वेश्चन जान लीजिए। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ बिल्कुल, आई एम नॉट गोइंग टू रब इट, डू इट, अंडरस्टैंड इट एंड डू इट प्रॉपरली, टेक योर टाइम एंड अंडरस्टैंड इट। हेलो, हाँ बोलिए सर। आपको वो नहीं आ रहा, स्क्रीन नहीं आ रहा, स्क्रीन एक बार रीकनेक्ट करो प्लीज। हाँ हो गया, आ गया आ गया, अच्छी बात है। चलो कभी प्रॉब्लम हो तो मुझे बोल दो, रीकनेक्ट कर लो। ड्यू टू सम नेटवर्क इशू इट माइट बी पॉसिबल, कभी कभी नेटवर्क इशू हो सकता है, तो आप उसमें घबराइए नहीं, रीकनेक्ट कर लिया करिए।
Done it? Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन दू. Yes, sir. आप लोग खुद ट्राई करिएगा. सर ऐड करिएगा तो मेरे को नेट खत्म हो गया इसका. अच्छा ठीक है चलो नो इशू. बट एक क्वेश्चन और देखना है. सो अनदर क्वेश्चन. मैं उसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं इस बार इनवर्स में. इफ एफ एक्स इक्वल टू 4x+3, इफ एफ एक्स इक्वल टू 4x+3 by 6x-4, है ना, where x is not equal to 2/3. We have seen this question to find FOF. अब इसका second part कर रहे हैं, है ना, so that check whether, ऐसे भी कह सकते हैं, check whether F inverse exists and find F inverse if it exists. ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्लियर हुआ. आपको पहले तो चेक करना है कि F inverse exist करेगा कि नहीं करेगा, और यदि करेगा तो F inverse क्या होगा ये बताना है. Come on, सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे करेंगे. यू स्टिक योर सेल्फ टू द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स. फिर वही आप वाई मान लोगे, वाई मान लोगे 4x+3/6x-4, फिर वहां से सॉल्व करके एक्स निकाल लेना, एक्स को मान लेना जी वाई, और फिर जीओ एफ निकाल लेना. अगर जीओ एफ एक्स आता है या एफओ जी वाई आता है, दोनों में कोई एक चीज कर लेना तो इनवर्स हो जाएगा, यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. और उसके बाद आप इनवर्स फंक्शन भी देख सकते हैं क्या होगा. कम ऑन डू इट. नोट कर लिया बेटा क्वेश्चन, करिए इसको. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन.
Have you tried it? कोशिश किया बेटा? सर x का वैल्यू सर कैसे आएगा सर? x का वैल्यू जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना बेटे, वैसे जैसे यहाँ निकाला था वैसे करोगे। लेकिन सर एक आ रहा है 6xy करके आ रहा है। जो आ रहा है वही होगा, देखते हैं, निकालना तो पड़ेगा ना। चलिए मैं इसको रब करता हूँ, फिर सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे करना है। चलिए मैं कर दिखाता हूँ आप लोगों को हाउ टू प्रोसीड फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। लेट y इक्वल टू क्या ले लेंगे, 4x plus 3 by 6x minus 4. So this is your y, 6x minus 4. So this implies ये multiply कर दो, है ना? Yes sir, किये sir. इसको multiply कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 6xy minus 4y. इक्वल टू 4x plus 3, ये हो जाएगा 4x plus 3. सो दिस विल बी देयर। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, आपको x को निकालना है ना, इसको इधर ले जाओ और x को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा 6xy minus 4x, 6xy minus 4x इक्वल टू 4y plus 3, दिख रहा है, ये आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जो है अब आपका x कॉमन आ जाएगा, x जैसे ही कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा 6y minus 4 इक्वल टू 4y plus 3। हाँ पढ़ा रहे हो? हाँ आ गया ना। तो 4y, यस सर आ गया सर, 3 by 6y minus 4, समझा? ये हो गया ना बेटा, तो ये आ गया। अब हम लोग क्या कहेंगे, लेट जी वाई इक्वल टू 4y minus 3 divided by 6y minus 4, है ना, ये देखा हमने। देन जी ओ एफ क्या हो जाएगा, यानी कि जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो जी में ये जी वाई रहा ना, जी में जी वाई में जहां जहां वाई आ रहा है वहां वहां क्या रख देंगे, एफ एक्स रख देंगे। सो दिस इंप्लाइज जी ओ एफ विल बी, जहां जहां जी में वाई है वहां वहां एफ एक्स रख दो, यानी कि 4 into fx minus 3 by 6 into fx, 1 minute plus है ना ऊपर, फोर इन ये प्लस था ना, 4y plus 3, तो प्लस हो जाएगा, एंड 6y minus 4, है ना, कैलकुलेशन में ध्यान देना है, गलती नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, लास्ट में देख लेंगे उधर, तो ये क्या आ जाएगा, लेट अस सॉल्व दिस नाउ, वी विल सॉल्व इट। तो 4 into fx, व्हाट इज fx, fx ऊपर है, तो 4x plus 3 by 6x minus 4 plus 3, एंड दिस इज 6 into 4x plus 3 divided by 6x minus 4 एंड -4। अब थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, कर लेंगे, कोई नहीं, है ना। ये देखो 4 और 3 कट जाएगा ना, 2/3 आ जाएगा, 2/3। अब चलो मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x plus 6। एक सेकेंड बेटा, लेट मी चेक। चलो देखो, ध्यान दीजिएगा, सो दिस इज 4x plus 3, तो ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 8x यहां भी मल्टीप्लाई करोगे, होल में मल्टीप्लाई होता है, तो 2x, ये क्या हो गया 8x plus 6, है ना। और ये देखो प्लस 3 है ना, तो प्लस 3 और 3 में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x minus 4 एंड होल, थोड़ा सा भी कर देते हैं,
नीचे क्या आ जाएगा इसके, नीचे आ जाएगा 6x-4, तो नीचे आ गया 6x-4। अब देखो यहां क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करो तो 12x, सर आ गया सर आंसर आ जाएगा 9 और माइनस कितना हो गया -24, तो माइनस 24 प्लस 16 24 प्लस 16 प्लस 16 प्लस कितना आ गया 16 प्लस 16 है ना, यस सर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कट जाएगा सर दोनों 6x-4, तो डिनोमिनेटर कट जाएगा दोनों का, यस सर, है ना, थोड़ा कैलकुलेशन है तो ये आ गया सर, ये हो जाएगा 8x और यहाँ क्या आ जाएगा 18, 26x हो जाएगा, 26x नहीं, साइन का कुछ गड़बड़ किए है क्या? नो सर, सही है सर, सही है, चलो करके देखते हैं, फिर लास्ट में देखेंगे। 26x एंड माइनस, गड़बड़ तो लग रहा है कुछ साइन, यस सर गड़बड़ है सर, कहीं पे गड़बड़ हुआ है, यस सर यहीं पे गड़बड़ है सर, यहाँ पे जी ऑफ वाई, जी ऑफ इधर सर, जी ऑफ वाई में गलती है सर, जी ऑफ वाई में, जी ऑफ, अच्छा इसमें गलती है, यस सर, अच्छा यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ क्या लिए 4x+3 6x-4, सही किया हमने, 4x+3 6x-4, ठीक है, तो 4x+3 6x-4 मल्टीप्लाई किया तो 6xy-4y और ये हो गया, तो ये माइनस, अच्छा ये -4y, तो ये -4y इधर गया, तो +4y+3 और ये गया तो -4x, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया 6y-4, ये तो ठीक है, 4x+4y+3/6y-4, 4y+3/6y-4, तो सही है ये। अब देखते हैं आगे, यहाँ क्या लिया GOF, तो ये 4fx रखेंगे, fx रखेंगे y की जगह पर, तो 4y+3, तो y की जगह fx लगा, 4x+3/6x-4 दिया, 4x+3/6x-4+3 और यहाँ 6 4x+3/6x-4 -4। अब एक बार जरा चेक कर लेते हैं, 26 सही तो है सर, सही है, सही लग रहा है, कुछ तो मिस हो रहा है, चेक कर लेंगे, चलो कोई नहीं, है ना, कैलकुलेशन का क्या किया जाए उसको देख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया होगा, कहाँ गया, 18+8 26x यस सर, सही है सर, कट जाता है, कटना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं कैलकुलेशन में, 26x-12, तो -6 हो जाएगा, 26x-6 -12/+25 -12x+25 नहीं, ये तो गड़बड़ आ रहा है, रुक जाओ इसमें कुछ होगा, हम लोग कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, आई विल चेक इट, है ना, इसको चेक करते हैं, आता भी है, किया भी था हमने, FOF निकाला था, 1.4 अभी लास्ट टाइम तो निकाला था, x आ गया था, वही तो सर, अभी तो FOF निकाला था ना, x आया था ना, हाँ हाँ सर, अभी कहाँ गड़बड़ हो गया, अभी तो निकाला था, यहाँ भी देखो दोनों एक जैसा फंक्शन है, सेम रिलेशन है, 1.3 का फोर्थ क्वेश्चन ही ना सर, कहीं वही कुछ तो लग रहा है, कहीं पे छूटा है जो कि मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं,
रुक जाओ एक बार मैं फिर से कैलकुलेशन करता हूँ, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन में एक बार जब गड़बड़ होता है ना तो पकड़ाता नहीं है, कैलकुलेशन में गड़बड़ होता है तो पकड़ाता नहीं है, तो फिर से करते हैं कैलकुलेशन। तो जी ओ एफ कर रहे हैं, तो जी में हमने क्या देखा, और वाई, तो वाई की जगह हमें रखना है, तो वाई की जगह हमें रखना है, तो वाई की जगह हम क्या रखेंगे, वाई की जगह वो रखेंगे 4x। अच्छा, जो काटा था हमने वो गलत किया था ना बेटा, यहाँ कॉमन तो नहीं है, हमने बीच में काट दिया था ना, अच्छा वो गलत किया था ना भाई, कॉमन तो नहीं है पूरे में 4, दिख रहा है? हाँ सर। हाँ तो वो गड़बड़ किए थे, इसीलिए पहले अभी थोड़ी देर पहले जो किया इस क्वेश्चन को, क्यों गड़बड़ आएगा, ध्यान दीजिए, वो कट नहीं करेंगे, वो ध्यान कहीं और था, हमने कट कर दिया था। 6, ये 4 और 6 तो इसमें मल्टीप्लाइड है ना, इसमें तो है नहीं, तो कट तो कर नहीं सकते, वही गड़बड़ हो गया था। तो 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4 एंड माइनस 4, अब देखो आ जाएगा, ये कट नहीं होगा ना 2/3, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा देखो जरा, ये हो जाएगा 16x प्लस 12, और ये मल्टीप्लाई इधर होगा तो क्या बचेगा, देखो अब आ रहा है, प्लस 18x, 16x प्लस 12 प्लस 18x माइनस 12, देखा अब कट रहा है ना, और डिनोमिनेटर तो कट ही जाएगा, उसको हटा देते हैं अभी, और ये क्या हो जाएगा 24x प्लस 18 और ये माइनस 24x प्लस 16, दिख रहा है, 4x 24x कट गया, 12 कट गया, तो ये क्या आ गया, 18 प्लस 16 34x डिवाइडेड बाय 34x, यानी कि आ गया ix, दिखा ना। हाँ सर। तो आपने जो कट कर दिया था वो गड़बड़ था, इसलिए मैंने बोला कि वो दिखेगा नहीं, कुछ तो गड़बड़ कहीं किए होंगे, तो फिर से करेंगे तो सही से पता चल जाएगा। तो hence g is inverse of f and f inverse क्या हो जाएगा, f inverse क्या हो जाएगा, f inverse हो जाएगा आपका 4y plus 3, है ना, 4y plus 3 6y minus 4 and 6y minus 4, समझा, तो इस तरीके से कर लो बेटा। तो यहां पर अगर मैं x से रिप्लेस करूं, इफ वी रिप्लेस द y बाय x, if we replace y by x then हम क्या लिख सकते हैं, then if इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x plus 3 by 6x minus 4, तो आप क्या देखेंगे कि f खुद का ही इनवर्स है, f खुद का ही इनवर्स है, इसलिए f o f क्या आ गया था, x आ गया था इस क्वेश्चन में, f o f याद आ रहा है? Yes, तो इस तरीके से आप रिप्लेस करके फाइनल आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए, तो आज हम लोगों ने इनवर्स निकालना सीखा, अगले दिन हम लोग और क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे इनवर्स निकालने पे, इन्वर्टिबल फंक्शन पे, एंड देन वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। इसमें एक्सरसाइज 1.4 आपके सिलेबस में नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन, दैट इज आउट ऑफ सिलेबस, हट गया सिलेबस से बेटा, तो उसको नहीं पढ़ेंगे। ओके, वैसे वो बहुत इजी टॉपिक है, सिलेबस से भी हट गया है, कंपटीशन से भी हट गया है, सो दैट वॉन्ट बी आस्क्ड एनीवेयर, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा, आउट ऑफ सिलेबस पोर्शन है। तो यहां तक हम लोगों ने आज किया, तो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे इससे जानेंगे। हैव यू नोटेड इट, आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग, ठीक है बेटे? यस सर, कंप्यूटर। ओके, थैंक यू सर।